बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1102 नए केस सामने आए हैं। ये बड़ी खबर, प्रदेश में बीते 24 घंटों में जो मामले सामने आए उसके बाद अब सक्रिय मामलों की संख्या 4800 से ज्यादा पहुंच गई है प्रदेश भर में। हरियाणा में कोरोना की वजह से 2 मौत भी हुई है पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो। सबसे ज्यादा मामले गुरुग्राम से सामने आए हैं, 517 नए मामले, और फरीदाबाद से 184 तो पंचकुला से 87 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। हिसार से 38, यमुनानगर से 35 नए मामलों की पुष्टि हुई, करनाल से 36, जींद से 34 नए कोरोना के मरीज पाए गए, झज्जर में 25 तो कैथल में 23 नए मरीज जो हैं वो सामने आए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज सामने आ रहे हैं। 1100 से ज्यादा नए मामले जो हैं वो पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं, जिसकी वजह से 4800 से भी ज्यादा कोरोना के सक्रिय मरीज प्रदेश में हो गए हैं और पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की मौत का मामला भी सामने आया है। लगातार मौत का आंकड़ा भी अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो अलग अलग जगहों से कई मौत के मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। हिसार से 38 मामले सामने आए, करनाल से 36 नए मामले सामने आए हैं, जींद से 34 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा होते हुए दिखाई दे रहा है। झज्जर से 25 तो कैथल से 23 नए मामले सामने आए हैं। हरियाणा में लगातार कोरोना का ग्राफ जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और बड़ी संख्या में अब जो नए मामले हैं वो आने शुरू हो गए हैं। 1000 से भी ज्यादा 1102 नए मामले जो हैं वो सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में और इसी वजह से ये जो सक्रिय मरीजों का आंकड़ा है वो 5000 के करीब पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है। जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो चिंता का विषय बन रहे हैं और लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से ये अपील की जा रही है कि लोग सावधानी बरतें, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क जरूरी किया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है ताकि लोग मास्क का इस्तेमाल करना एक बार फिर से शुरू कर दें और कोरोना से बचें। सरकारी कार्यालयों में भी मास्क पहनना जो है वो अनिवार्य किया गया है। अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है ताकि वो भी अपना पूरी तरह से ख्याल रखें और कोरोना से बच करके रहें। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के भी निर्देश जारी किए गए हैं। नियमों की अवहेलना करने पर कार्रवाई की बात भी कही गई है, हालांकि किसी तरह की कोई कार्रवाई हो नहीं रही है क्योंकि कोई जुर्माना या फिर इस तरह की कोई कार्रवाई के निर्देश नहीं है। मास्क का उपयोग करें अगर कोरोना से बचना है तो, मास्क हमेशा भीड़भाड़ वाले इलाकों में खासतौर पर लगा करके रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, कोशिश करें किसी को ना छुएं और किसी से टच ना हो, अपने हाथों को समय समय पर साफ करते रहें, सैनिटाइज करते रहें, अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें समय समय पर, टेबल कुर्सियां दरवाजे के हैंडल आदि जैसी सतहों को छूने से बचें क्योंकि ये वो जगह है जिसको ज्यादातर छुआ जाता है, टच किया जाता है। खांसते या छींकते समय टिश्यू का इस्तेमाल करें। कोविड पीड़ितों के करीब जाने से बचें क्योंकि कोरोना संक्रमितों से ही फैलता है। मास्क का उपयोग करते रहें, कोरोना से बचाव का ये सबसे महत्वपूर्ण एक तरीका है। मास्क अगर आपने अप किया है तो एक तरह की वो शील्ड है जिससे आप कोरोना से बहुत हद तक बचाव कर पाते हैं। हमारे संवाददाता जितेंद्र बेनीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं बल्लभगढ़ से लाइव। जितेंद्र, क्या कुछ स्थिति फिलहाल कोरोना को लेकर के, क्या कुछ अपडेट क्षेत्र में? बिल्कुल हितेंद्र, आपको बता दूं कि कोरोना के जो लगातार संक्रमण तेजी से फैल रहा है फरीदाबाद में और कहीं ना कहीं लोगों की काफी परेशानियां बढ़ रही है, स्वास्थ्य विभाग भी काफी चिंता में है। जिस तरीके से कोरोना के जो मामले तेजी से फैल रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो एडवाइजर जारी कर रहे हैं जिला उपायुक्त लगातार विक्रम सिंह यादव के जो लगातार संक्रमण फैल रहा था उसको लेकर बाजारों में लोग अवेयर नहीं दिखाई दे रहे, जिससे कि बिना मास्क के अभी घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं जो लगातार संक्रमण फैलने से स्वास्थ्य विभाग ने भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि जब बाजारों में घूमते हो या कोई मॉलों में जाते हो या कोई बस अड्डे या मेट्रो स्टेशन में जाते हो कि मास्क लगाकर घरों से बाहर निकले ताकि जो ये संक्रमण
माने एक दूसरे में नहीं फैले उसी को लेकर लगातार अस्पतालों की बात किया जाए, वैक्सीन और टेस्टिंग की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। और कहीं ना कहीं कल की बात करें तो कल फरीदाबाद में 184 नए मामले सामने आए हैं और टोटल जो केस है 779 टोटल केस हो चुके हैं मरीजों की, और 763 जो केस है वो अस्पतालों में होम आइसोलेशन भर्ती करे गए हैं और जो 1600 केस है अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है। और सबसे अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं 84 जो मरीज है वो घर ठीक होकर अपने चले गए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए जितेंद्र। तो अलग अलग जगहों पर कोरोना के मामले बड़ी संख्या में अब सामने आ रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की भी चिंता कहीं ना कहीं बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और कोरोना से बचने का उपाय, सबसे महत्वपूर्ण उपाय यही है कि आप मास्क लगा करके रखें।